देखा, हम तो कह रहे थे डॉक्टर ये पॉसिबल नहीं है, हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। देखिए सृष्टि जी, आप इस तरह से रिपोर्ट्स को गलत नहीं बता सकती हैं। रिपोर्ट सही है, आप प्रेग्नेंट हैं। टाइम टाइम पे अपना चेकअप करवाते रहिए और अपना ध्यान रखिए। मैं चलती हूँ। छूट की भौजी, तुम मान काहे नहीं ले रही हो कि तुम प्रेग्नेंट हो? अबुआ की अम्मा, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि अगर शादीशुदा लड़की प्रेग्नेंट है तो हमें दिक्कत का है। अब काहे तुम ही दूध में नमक मिलाने का काम कर रही हो? अब तुमको तीसरा बार जांच का करवाना है? सही है तो कह रही है दुलरिया है। अरे बेटा, इतना परेशान काहे हो रही है तुम? हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे लिए ये सब जो है वो बहुत अचानक हुआ है, लेकिन जो जांच में आया है वो भी तो दो बार एक ही ना बात आया है। अब तुम भी ना खा बखा में क्या हुआ है? क्या हुआ पुराने? देखो, अरे क्या हुआ बेटी? कही लो, इस हाल में ही पीना बहुत अच्छा होता है। ले लो बोहराने। हाँ बेटिया, थोड़ा सा पी लो ना। प्लान नंबर दो कामयाब। बैठो बेटिया, हमारे पास बैठो। देखो, हम समझ सकते हैं तुम्हारा घबराहट है। देखो फुआ के अम्मा, उल्टियो हो रहा है। एकर तो साफ साफ ही है, मतलब है कि प्रेग्नेंट है। काहे तुम तीसरा बार जांच का खर्चा करवा रही हो? ये पहले हो जाता तो दूसर को बार का खर्चा बच गया रहता। उल्टी होने का मतलब है कि घर में बाल गोपाल आने वाले हैं। फुआ के अम्मा, मुबारक हो तुमको। दुलारी दीदी, बस कीजिए प्लीज। बेटा तुम ठीक हो ना? सास में वो दिमाग में इतना टेंशन है भर गया है कि उसके कारण जो है उल्टी हो रहा है। बेटा हमारा एक बात सुनो है, अपना अनुभव से कह रहा है कि जो जी मचलाना होता है ना, ऐसे वक्त में यह होता है। अब देखो, तुम्हारा शरीर भी जो है इस बात का सबूत दे रहा है। तुम इस सच को ना अब मान लो, राजी हो जाओ है महुरानी। मैडम जी, हम जानते हैं तुम क्या पूछने आए हो, लेकिन इस वक्त हम किसी बात का जवाब नहीं देना चाहते। हम कुछ देर अपने साथ रहना चाहते। बैचू, 100 ऐसी रिपोर्ट, 1000 ऐसे झूठ, लाख ऐसे लोग भी हमारे रिश्ते का सच नहीं चुकला सकते। हमारे बीच चीनी सी ही सही है, लेकिन शक की दीवार खड़ी हुई है और हम इस दीवार को मिटा कर रहेंगे। ये हमारी लड़ाई है, हम इसे तब तक लड़ेंगे जब तक असली सच सामने ना आ जाए। तो ये अगले डॉक्टर फोन काहे नहीं उठा रही हमारा? डॉक्टर अभी एक घंटे पहले तो रिपोर्ट देखी गई है, तुम्हें अब उनसे क्या काम आ गया? तो डिस्पेंसरी में फोन लगाते हैं। डिस्पेंसरी में फोन? लेकिन क्यों, क्या हुआ? अरे लेकिन ये तो तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट और अल्ट्रासाउंड है, इनका तुम क्या कर रही हो? इनका हम क्या कर रहे हैं? हाँ? अभी बताते हैं। अरे तुम इन्हें फाड़ क्यों रही? तुम्हारी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है ये, रागिनी। अरे वो नहीं फट, ये तो अल्ट्रासाउंड है, इसके लिए तो कैंची का जरूरत पड़ेगा, ये ऐसे नहीं कटेगा। What the hell is wrong with you, रागिनी? क्या हुआ मुझे बता। रागिनी उसको मत फाड़ो प्लीज। अरे अरे रिपोर्ट्स को फाड़ने की क्या जरूरत है? क्यों फाड़ रही है उनको?
हाँ डॉक्टर मोहिनी, नहीं 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 अब हम आपके पेशेंट नहीं है, वो कहा है कि हमको लगा कि हम प्रेग्नेंट है, लेकिन जो रिपोर्ट है ना उसमें तो यही लिखा था। अब उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि आपके जो रिपोर्ट होते हैं ना वो एकदम गलत होते हैं। वो कहा है कि हमारी जो देवरानी है ना वो दो बार जो है टेस्ट कराई है आपसे, हाँ, और दोनों बार जो है आपका रिपोर्ट एकदम गलत आया है। तो जब हमारी देवरानी का रिपोर्ट गलत आ सकता है तो हमारा भी गलत आ सकता है, इसलिए हम जो ये रिपोर्ट है ना उसको फाड़ फूड़ के कूड़ादान में फेंक रहे हैं, समझ गए आप? अरे आई अंडरस्टैंड, ठीक है सृष्टि की रिपोर्ट्स गलत आ गई होंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी रिपोर्ट्स क्यों फाड़ रही हो, क्यों फाड़ दिया इनको? अरे रागिनी, भगवान के पास जा रही हो अपने मन का बात बताने, यही सोच रही हो ना कि भगवान ही है जो तुम्हारे मन का बात समझेंगे? हम भगवान तो नहीं है सृष्टि, लेकिन तुम्हारे मन का बात बहुत अच्छे से समझते हैं हम, और तुम्हारी जो जुबान है ना उस पर हमें पूरा विश्वास है। पता हमारी अम्मा जी क्या कहती थी? हमारी अम्मा जी कहती थी कि कोई कोई का जुबान जो है ना उसकी जान से भी ज्यादा कीमती होता है, और वो कोई हमारे लिए ना तुम हो सृष्टि। हम नहीं मानते ये कागज के टुकड़े को, हमें पता है कि तुम सच कह रही हो। तुम हमारे साथ हो? हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, तुम गलत भी करती ना तो भी तुम्हारे साथ होते, ये तो फिर भी सच है। अभी जल बरसा मत करो, नहीं तो फिर हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। और देखो सृष्टि, तुम कमजोर पड़ोगी ना इसका मतलब तुम्हारा हार, इसलिए तुम्हें बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ना है, समझी? और हाँ, हम कल ही दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, हाँ, और तुम्हारा ये जो टेस्ट है ना दोबारा करवाएंगे, और तुम देखना फिर सबके सामने सच आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। नहीं, नहीं। टेस्ट टेस्ट कराने का ना कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला इससे। बेटा लगता है पूरा रात जो है वो जाग के काटो, हम तुम्हारा उलझन समझ सकते हैं, लेकिन सच मानो बेटा, ही बच्चा जो है वो तुम्हारा ही है। पर ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? ये मंगलसूत्र देख रहे हो, ये तुम्हें ने जो है उस सृष्टि को पहनाया था जब हमको लगा कि तुम इस दुनिया से चले गए हो। उसके बाद भी उसने ये मंगलसूत्र जो है वो अपने गले से नहीं उतारा। दुनिया का रसम का चलते है ना हमको ये मंगलसूत्र उसके गले से निकलवाना पड़ा, लेकिन उसने कभी तुमको अपना दिल से नहीं निकाला। उसका ये विश्वास जो है वो आज रंग लाया है, आज तुम उसके सामने हो, और इतना लंबा जुदाई के बाद एक रात। लेकिन माँ, फिर ये बैजू सृष्टि की जिंदगी में कैसे आया? बेटा
बैजू ने ना इस घर के लिए बहुत कुछ किया है और इसी के चलते सृष्टि और बैजू जो है बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मम्मा जी को लगा कि सृष्टि का अकेलापन दूर करने के लिए उन दोनों का शादी करवा देना चाहिए। हम लोगों ने जबरदस्ती उन दोनों का शादी करवाया, लेकिन सृष्टि ने कभी इस रिश्ते को स्वीकारा ही नहीं। उसने हमेशा बैजू को जो है अपना दोस्त ही समझा। उसके दिल में जो है वो हमेशा से तुम ही रहे हो बेटा। वो दिन रात जो है वो तुम्हारा ही बारे में सोचती रहती थी। अब जब तुम आ गए हो तो वो बहुत ही असमंजस में है। उसको बैजू का बस फिकर है। दिल की बहुत साफ है ना हमारी सृष्टि, इसलिए बैजू के साथ जो है वो अन्याय नहीं होने देना चाहती है, इसीलिए ना उसके साथ खड़ी है। लेकिन सच मानो बेटा, सृष्टि जो है ना तुमको अभी तक अपना दिल से नहीं निकाल पाई है। और बेटा तुम ही समझो इस बात को है, ऐसा अधूरा रिश्ता के साथ कहो बैजू के साथ कभी खुश रह पाएगी? और अब तो तुम्हारा बच्चा भी, बच्चे का भी तो भविष्य देखना होगा ना बेटा। सही या गलत निर्णय तो तुम ही को लेना है, और हम जानते हैं कि तुम एकदम सही निर्णय लोगे। तुम्हें डरा दिया हमको। हम काम करने से छोड़ो, अब तुम तक कमाल कर दी हुआ है। भाई पीसू बाबू को तो तुम एकदम ही उलझन में डाल दी। ये बकवास बंद करो तुम्हारा। हम बिसु को उलझन में नहीं डाले हैं, हम उसको सही राह दिखाए हैं। ठीक है चलो, बिसु बाबू को तुम राह दिखाई हो, बाकी झूठकी भौजी का तुमको लगता है वो तुम्हारा बात मानेगी? बाबूजी हम आपको बताए थे ना उस सृष्टि के परेशानी के बारे में। अब उसका परेशानी है ना वो बहुत तेज जल्दी ठीक हो जाएगा, आप देखिएगा। हम मिले उससे, हमने बात की सृष्टि से, इतनी प्यारी लड़की है, पता नहीं काहे सारी परेशानी जो है वो सृष्टि को ही आती है। कुछ चाहिए बाबूजी आपको? मेज की तरफ इशारा कर रहे हैं। मेज, ये कापड़ ये कहाँ है बाबूजी? ये तो बाबूजी की वसीयत है। वसीयत नामा बाबूजी? बाबूजी इसका क्या जरूरत है अभी? अरे अब तो आप ठीक हो रहे हैं, आप देखिएगा थोड़े दिन बाद ही ना पहले की तरह आप गरजने और बरसने लगेंगे। इको पढ़े हम। मैं विकराल सिंह अपने पूरे होशो आवास में ये घोषणा करता हूँ कि मेरी सारी चल अचल संपत्ति का 10-10% मेरी पत्नी और पुत्र को दिया जाए, बाकी सारी जायदाद और मेरी राजनीतिक पार्टी का वारिस मेरी पुत्री रागिनी अनुराग सिंह से होने वाली संतान होगी, वो फिर चाहे लड़का हो या लड़की। इसका क्या जरूरत था? हाँ, मैं रागिनी को उसके बाबूजी के गलत काम और उनकी छाया से दूर रखना चाह रहा था, और कहाँ खुद उसके बाबूजी हमारे आने वाले बच्चे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा।
चाहे कुछ भी हो जाए और इसे मुझे अभी रोकना होगा, लेकिन लेकिन कैसे? लेकिन बाबूजी आप ये वसीयत बनवाए कब? चलिए ठीक है, इसे जो है ना हम संभाल के रखते हैं, लेकिन एक बात बताएं, आपके नाती आपके नातिन को आपके पैसे रुपया आपके पावर से ज्यादा ना नाना चाहिए उनको, जो घोड़ा बन के जो है अपने कंधे पे उनको सैर करवाए, उनका हाथ पकड़ के जो है उनको स्कूल तक छोड़ कर आए, उनको ढेर सारी कहानियां सुनाए, और उसके लिए जो है आपको सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। तो आप जो हो ना अपनी इच्छा शक्ति को जो हो ना और दुगना करो, ताकि आपकी जो ड्यूटी है वो आप अच्छे से निभा सके। ठीक है, सूप पी लीजिए। बुआ, कहाँ है? कहाँ चलता है तुम्हारे भेजा में? अब चलो कुछ षड्यंत्रे करना। अब हम तो ही कह रहे थे कि बड़की भौजी के चेहरा पर तुम देखी हो कितना चमक है, हमको तो लगता है लड़के होगा। है पगली, चेहरा पर तेज होने का मतलब ही नहीं है कि लड़का ही होगा है। अरे घर में लक्ष्मी आने वाली है, हमको तो पक्का मालूम है कि रागिनी बहुरानी को जो है वो लड़की होगी। कहा है कि जब लड़की होने वाली होती है ना तब है चेहरा पर इतना तेज होता है। बाकी हम तो ये सुने थे कि लड़का होता। इसको ढोल का आवाज कहाँ से आ रहा है? हम देख के आते हैं। जाओ अपना भौजी और भैया को बुला के लेके आओ। अखाली भाई है भौजी को? दोनों भौजी को, सबको बुला के ले आओ। जाओ हाँ, सबके बुला लाते हैं, नाच गाना नहीं मन लगेगा। आए हाय रिद्धि बहन, तेरी तो पांचोली घी में है। सुना है घर में लल्ला आने वाला है। हाँ? आए हम पूरे गांव की खबर रखते हैं। अरे आपसे कोनो बात कभी छिपा है का है? आओ बहुराने। आइए लो, लल्ला के मम्मी और पप्पा भी आ गए, भगवान करे इनको नजर ना लगे। हाँ देखो देखो, दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। भगवान दोनों को सलामत रखे। अरे सब आशीर्वाद बड़की भौजी को दे दोगी का है? हमारी छोटकी भौजी भी माँ बनने वाली है, उसको भी आशीर्वाद दो। अरे वारिती जी, आपके तो डबल भाग्य खुल गए। इस घर के आंगन में दो दो लल्ला के आने वाले हैं। सो तो है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जच्चा और बच्चा दोनों सलामत रहें। हमारा तो यही आशीर्वाद है। हमें याद है विश्व भैया, इससे पहले हम आपके पैदा होने पर नाचे थे और आज हम नाचेंगे विश्व के आने वाले लल्ला के लिए। अरे लेकिन आजकल इसका पति तो बैजू है, विश्व नहीं। आए तो फिर पति कौन है इसका? दोनों ही हुए और का। आए फिर ये बच्चा किसका? कोनो का होगा, इसे हमको का लेना देना, हमको तो ही पता है कि हम पुआ बनने वाले हैं। देखो ये आपके घर का मामला है, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आने वाला लल्ला और जच्चा दोनों सलामत रहें। बस आज
आज तुम्हारा एग्जाम डे है, कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उनके आंसर्स तुम यहाँ लिख देना। हमारा एग्जाम? देखिए मिस्टर जी, अभी हम बहुत परेशान हैं, तो पता नहीं हम कुछ लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। तो अच्छा अच्छा आप लिखिए, हम करते हैं, लिख देंगे हम भी। लिखिए आप। कोई जरूरत नहीं, फिर कभी दे देना अपना एग्जाम।